निकी राव में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी सही जानकारी। चलो तो फिर देखते हैं। यहाँ आपको एंड्रॉइड से लेकर आईफोन तक और बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक कार की आने वाली खबर मिलती है। मारुति सुजुकी बाजार में लगातार अपनी नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती जा रही है। नई वाहनों के साथ ही कंपनी समय के साथ अपनी बाजार में मौजूद वाहन को अपग्रेड करती रहती है। कंपनी की कारों को खूब पसंद किया जाता रहा है। भारतीय बाजार में हैचबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी का दबदबा है और इसी को आगे बढ़ाते हुए कंपनी एसयूवी क्रॉसओवर स्पेस में भी अपनी होल्ड को मजबूत करने पर काम कर रही है। मारुति सुजुकी के द्वारा आने वाली वित्त वर्ष में कई वाहन लॉन्च होने वाले हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है बलेनो आधारित क्रॉसओवर का। मारुति क्रॉसओवर बलेनो एसयूवी वाले हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बनेगा, जिससे कंपनी अपनी डेवलपमेंट लागत को बचा सकेगी। इससे बलेनो एसयूवी की लागत में कमी आएगी और ये नई कार किफायती हो सकेगी। नई एसयूवी बलेनो से दिखने में कुछ अलग हो सकती है, जिसे कूपे जैसी रूपरेखा पर तैयार किया जा सकता है। नई कार को नेक्सा रिटेल चेन के द्वारा बेच जाएगा और लॉन्च होने के बाद इसकी टक्कर टाटा नेक्सॉन, ह्यूंडई वेन्यू, किया सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 300, रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट जैसी एसयूवी से होगी। कंपनी ने इस वाहन का कोड नेम YTB रखा है और इस एसयूवी में आपको वो तमाम फीचर्स मिलेंगे जो नई मारुति सुजुकी बलेनो एसयूवी में दी गई है। इस एसयूवी में हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार तकनीक, क्रूज कंट्रोल और रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे कई अन्य फीचर्स दिए जा सकते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, हिल असिस्ट, ESP जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। एसयूवी में आपको 1.2 लीटर के 12N नेचुरी एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जिसे बलेनो से लिया गया है। ये इंजन 89 BHP ताकत और 113 nm पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ आ सकती है। कंपनी अपनी बलेनो एसयूवी आधारित इस एसयूवी को 2022 में ही लॉन्च करने वाली थी, लेकिन महामारी के कारण इसके लॉन्च में देरी होती चली गई। अब कंपनी बलेनो एसयूवी 2023 में लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट की माने तो ब्रेजा के बाद ये कंपनी की दूसरी सब 4 मीटर एसयूवी हो सकती है। विटारा ब्रेजा, वतारा ब्रेजा को भी कंपनी के द्वारा अपडेट करके अगले महीने लाया जा सकता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नई बलेनो एसयूवी की कीमत विटारा ब्रेजा, वतारा ब्रेजा से कम हो सकती है। मारुति सुजुकी बलेनो एसयूवी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करें। यहाँ आपको एंड्रॉइड से लेकर आईफोन तक, स्मार्ट वॉच से लेकर DSLR कैमरा तक, विंडोज से लेकर मैकबुक तक और कार से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक की खबर मिलती है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मिल जाए हर वीडियो की नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके मोबाइल पर मिल जाए हर वीडियो का नोटिफिकेशन।